अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी फेवरेट रेसिपी। उसके साथ मैं जो है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ एक हैंड क्रीम का रिव्यू, और उसके साथ मैंने कुछ खिलौने जो मुस्तफ़ा के लिए मंगवाए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो वैसे तो दाल चावल के साथ खाई जाती है, खट्टी दाल के साथ खाई जाती है, लेकिन आज मैंने दाल नहीं बनाई थी। आपको करना सिंपल ये है कि आपने जो है वो बीफ ले लिया, और बीफ ये चिकन में भी बनती है लेकिन बीफ का टेस्ट अच्छा होता है। तो बीफ के आप छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लोगे, हल्दी अदरक लहसुन और नमक डाल के उसको बॉईल कर लोगे। जब वो गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा, तो उसके अंदर जो है पानी ड्राई करोगे। पानी ड्राई होने के बाद उसमें आप तेल डालोगे और थोड़ा सा उसको फ्राई करोगे, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो ऐसा होता है कि बाहर से थोड़ा सा ये कड़क सा होता है और अंदर से जो है ये सॉफ्ट जूसी सा होता है। और जब वो थोड़ा सा जो है वो कड़क हो जाएगा ऑयल डालने के बाद, थोड़ी देर आप उसको छोड़ दोगे, रेड रेड सा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप फ्लेम ऑफ करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दोगे, तो बहुत मज़े का ये बनता है। और ये मैंने डिश आउट कर लिया है। आज मेरे पास दाल मैंने नहीं बनाई थी, तो मैं इसको जो है अचार के साथ मैंने सर्व किया और बड़ा मज़े का बना था ये। हरी मिर्ची, हरा धनिया के साथ और प्याज काट के खाओ, मज़ा आ जाएगा। तो ये है मेरी फेवरेट डिश, और आज मैंने खाना पकाते हुए खाली चाय पिए साथ में, शाम का टाइम था इसलिए। रिव्यू है वो रिव्यू वीडियो है हैंड क्रीम एंड नेल फाइल सेट के ऊपर, ठीक है। ये इसका कोई ब्रांड नेम है, ये मैंने एश कलेक्शन से मंगाया। 10 दफ़ा मैं आपको एश कलेक्शन का जो है वो बता चुकी हूँ। अच्छा, मैंने जो अपने ऑयल कंट्रोल वाले मंगाए थे ना फेस पाउडर्स, वो भी मैंने इन्हीं से मंगाए थे, ठीक है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इंग्लिश लेवेंडर है, 30 ml हैंड क्रीम इंग्लिश लेवेंडर 1 पीस, ठीक है। ये सारी इसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन है, ठीक है। ये बाहर का है, ये यहाँ का नहीं है, वो ये वही ये जो लॉट में नहीं आते, ठीक है। ये मेड इन चाइना है लेकिन है ये बाहर का, ठीक है। इस तरीके की पैकेजिंग में था ये, मुझे 250 रुपीज़ की हैंड क्रीम मिली, क्योंकि मेरी जो हैंड क्रीम है ना जोमताउन वाली को मैं यूज़ कर रही थी, 5 पीसेस का जो सेट था वो हो गई है ख़त्म, और वो मुझे अब मिल नहीं रही है, दूसरी मिल रही है। तो वो कोई फ्रूट वाले उसकी मिल रही है, तो पता नहीं यूज़ करूँ ना करूँ, अच्छी लगे ना लगे। तो पूरा पैकेट मैंने नहीं मंगाया, मैंने सिंगल मंगाई। ये आपको इस तरीके से मिलेगी हैंड क्रीम, और इसके साथ आपको जो है ना ये मिल जाएगा फाइलर, ठीक है। यहाँ से रवे और यहाँ से थोड़ा सा ये देखो जो है फैंसी सा लुक देने के लिए फुल्ली ये ग्लिटर के ऊपर है, प्यारा सा खूबसूरत सा है। उसके साथ आपको मिल जाती है ये जो है क्रीम बाहर की है, तो इसको इसका जो टेक्सचर है हैंड क्रीम का वो मैं दिखाती हूँ, हर चीज़ ज़्यादा ही निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसका टेक्सचर है, और अच्छी चीज़ ये है कि जब आप इसको हाथ में लगाओगे इस तरीके से, ऊपर मैंने वो लगाया हुआ था अभी क्या कहते हैं सनब्लॉक, तो इसलिए यहाँ नहीं लगा रही थी। इस तरीके से जब आप इसको लगाओगे तो 1-2 सेकंड के अंदर ही ये इजीली आपके हैंड्स के अंदर जो है ना ब्लेंड हो जाएगा। स्मेल इसकी जो है ना लेवेंडर है, लेकिन मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अब ये है कि काम कैसा करती है, ओके अच्छा काम करती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जोमतान मुझे अच्छी नहीं लगी, और हाथ सॉफ्ट कर देती है, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही जिस तरीके से जोमतान में आती है। हाथ बिल्कुल भी इस तरीके से नरम मुलायम नहीं होता जिस तरीके से होते हैं, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, इसके मैंने कोई गूगल पिक्चर वगैरह नहीं निकाली है, निकालूंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ठीक है, बस जितनी क्वान्टिटी है और जो उसका वर्क है 250 रुपीज़ में, उस हिसाब से ये सही है। तो ये थी वीडियो इसके ऊपर छोटी मोटी सी, होपफुली अच्छी लगी होगी। पैकेजिंग बड़ी कमाल की थी इसकी, और मैं पैकेजिंग से ही अट्रैक्ट हुई थी। ओके, तो ये जो है ये कुछ टॉयज़ हैं जो मैंने मुस्तफ़ा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, एजुकेशनल टॉयज़ हैं ये। तो ये फ्रिलव मैंने मंगाए हैं, फर्स्ट टाइम फ्रिलव का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से लिया, कितने का, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा।